सर उस समय डिस्कस किया कि वाइवर जीरो और डीडी जीरो कनेक्शन ट्रांसफार्मर के थ्री फेज के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया था कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन थ्री फेज में क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए वाइवर जीरो और डीडी जीरो कनेक्शन कर लिया था। आज जो इस लैब में हम करने जा रहे हैं वो है YD1 एंड DY1 ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर आपने वो प्रीवियस जो लैब थी अगर वो सही आती है आपको, ठीक है, तो ये वाली जो लैब है ये बहुत छोटी सी 15-20 मिनट की लैब है, इसमें हमने सिर्फ YD1 और DY1 कनेक्शन डिस्कस करना। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूं प्रीवियस लैब के लिए तो हमने डिस्कस किया था YY0 कनेक्शन, ठीक है। तो इस कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो वाई है टेक्निकल वाई ये डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को, जबकि हमारे पास जो ये जो वाई है ये हमारे पास एलवी साइड है जो कि डिनोट कर रहा है सेकेंडरी साइड, ठीक है। कैपिटल जो लेटर है वो डिनोट कर रहा है सेकेंडरी साइड को, और जो स्मॉल लेटर है वो डिनोट कर रहा है एलवी साइड को, और जो ये जीरो है ये जीरो हम बता रहे हैं कि क्योंकि वाई पे भी स्टार कनेक्टेड है, सॉरी जो प्राइमरी है वहां पे भी स्टार कनेक्शन है और जो सेकेंडरी है वहां पे भी स्टार कनेक्शन है, और दोनों एक दूसरे के रिप्लिका हैं, इसलिए इनकी आपस में 0 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आपस में 0 डिग्री फेज। देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है YD1, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे कि ये जो पहला है कैपिटल लेटर ये डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है थ्री साइड को, और जो ये हमारे पास स्मॉल लेटर है ये डिनोट कर रहा है एलवी साइड को और प्राइमरी साइड को, और जो ये वन है ठीक है ये बता रहा है डिग्री कि कितना डिग्री फेज शिफ्ट है। लेकिन ये 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1 डिग्री नहीं है, ठीक है, बल्कि ये YD1 o'clock कनेक्शन है। क्या अभी हम देखते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन है, YD1 o'clock कनेक्शन है, ये कौन सा कनेक्शन है YD1 o'clock कनेक्शन है, ठीक है। YD1 o'clock कनेक्शन से मेरी क्या मुराद है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कि जैसे हम मैं पहले लैब में करते थे कि ये स्लाइड में भी हमने देखा कि ये जो वाई है कैपिटल वाई ये स्टार कनेक्शन है और ये प्राइमरी साइड है एचवी साइड है, तो पहले हम ये कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या बना रहा हूँ, वाई कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोबारा से डिस्कशन करेंगे, ऑलरेडी मैं प्रीवियस जो वीडियोज हैं उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन आता है ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि YD1 o'clock कनेक्शन क्या है, ठीक है। इन चीजों की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ये स्टार कनेक्शन कैसे बना है, वाई कनेक्शन कैसे बना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट ले ली, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास IA होगा क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे मेरे पास ये न्यूट्रल आएगा, ठीक है, न्यूट्रल आएगा। इसको मैं कहूंगा क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ए फेज कहूंगा, ये मेरे पास बी फेज होगा और ये मेरे पास सी फेज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो करंट आ रहा है वो IA है, और यहाँ पे क्योंकि ये एचवी साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा A1 A2, ठीक है, और डॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ये मेरे पास फेज बी है तो यहाँ पे लगेगा डॉट, यहाँ पे आएगा B2 और यहाँ पे आएगा B1। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा डॉट और यहाँ पे आएगा C2 और C1, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो होगा IC और यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो होगा IB, ठीक है। यहाँ से जो करंट एंटर करेगा वो क्या होगा IB, ओके। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, और ये कौन सी साइड है, ये है एचवी साइड, ओके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सेकेंडरी साइड है वो डेल्टा है, जो सेकेंडरी साइड है वो डेल्टा है, और डेल्टा में आपके 1 o'clock कनेक्शन है, क्योंकि जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें किया था कि जो प्राइमरी साइड का कनेक्शन था स्टार था तो सेकेंडरी पे भी स्टार ही था, पर क्या
था कि सिर्फ ये एच वी था और वो एल वी था, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंडरी पे डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है और उनमें शिफ्ट भी है, मतलब कि ये जो अब 1 o'clock पे शिफ्ट भी है, 1 o'clock है, अब हम देखते हैं कि ये 1 o'clock है, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा सेकेंडरी साइड बनाएंगे। एक दफा हमें 1 o'clock का मतलब समझ आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम डेल्टा यहाँ पे बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 o'clock से क्या मतलब है, क्लॉक जैसे आपको पता है कि क्लॉक होती है, ठीक है, तो 1 o'clock कब होगा हमारे पास था वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लॉक बना लेता हूँ, तो ये जो यहाँ पे टाइम होता है वो आपको पता है क्या होता है, 12 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे होता है, 6 और यहाँ पे होता है 9, ठीक है। और ये जो मेरे पास होगा ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 10 और ये होगा 11। इसी तरह ये जो होगा यहाँ पे ये होगा 1 और ये जो होगा 2, ठीक है। तो एक नीडल मेरे पास ये आएगी और एक नीडल आएगी ये, एक नीडल क्या कहाँ पे आएगी, ये वाली, और एक नीडल आएगी ये भी। अब देखेंगे ये जो 1 o'clock है, 1 o'clock का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नीडल को एच वी मानू, इसको प्राइमरी साइड मानू, इसको प्राइमरी साइड मानू और इसको क्या मानू, सेकेंडरी साइड, जो कि एलवी साइड है, ठीक है, सेकेंडरी साइड डेल्टा साइड है ना, और डेल्टा साइड क्या है, प्राइमरी है, और जो एलवी साइड है वो प्राइमरी है, ठीक है। इसलिए मैं पर इसको अगर एच वी मानू और इसको एल वी मानू, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एच वी एल वी साइड है वो एच वी साइड से लैग कर रही है कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब आपको समझ आया कि अब आपको समझ आया कि आपके पास जो ये डिग्री है, 1 o'clock का मतलब क्या है, 30 डिग्री, 1 o'clock का मतलब क्या है, 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि जो प्राइमरी साइड है वो एच वी साइड स्टार कनेक्शन है और जो सेकेंडरी साइड है वो डी कनेक्शन है, मतलब डेल्टा कनेक्शन है, और एल वी साइड है और वो जो है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है एच वी साइड से, ओके। ये हमें पता लग गया कि कितना डिग्री लैग करना है, कितना लैग करना है, 30 डिग्री लैग करना है एच वी साइड से। और ये भी हमें पता है कि जो सेकेंडरी साइड है वहां पे डेल्टा कनेक्शन आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बनाना है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन इस तरह से बनाना है कि वो प्राइमरी साइड से 30 डिग्री लैग करे, ठीक है। कितना डिग्री लैग करे, 30 डिग्री लैग करे। 30 डिग्री क्यों लैग करे, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो 1 o'clock कनेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो लैगिंग एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ओके। यहाँ तक चलने के बाद अब हम देखते हैं कि डेल्टा हमने कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा हमने किस तरह से बनाना है, तो हम चलते वैसे ही पुराने तरीके से है कि जो ये मेरे पास वाई कनेक्शन है इसी का रिप्लिका यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा। तो सबसे पहले हम रेफरेंस के लिए स्टार ही बना लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेल्टा में, ये इसलिए करें ताकि हमारे पास जो काम है वो आसान हो जाए और एनालिसिस करना इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉटेड लाइन से स्टार कनेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने डॉटेड लाइन से क्या बना लिया, डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया यहाँ पे स्टार कनेक्शन, ओके। स्टार कनेक्शन बनाने के बाद अब हमें ये भी पता है, क्या पता है हमें, कि जो एंगल है वो 30 डिग्री लैग करना चाहिए प्राइमरी साइड से, ठीक है। लेकिन ये तो इसका रिप्लिका है ना, ये तो इससे 0 डिग्री पे है, फिर इस वक्त ये कितने पे है, 0 डिग्री पे है, लेकिन मुझे इसको कितना डिग्री शिफ्ट करवाना है, मुझे इसको 30 डिग्री जो है वो लैग करवाना है प्राइमरी साइड से। तो मैं क्या करता हूँ, हर फेज को 30 डिग्री पे क्या करता हूँ, लैग करवा देता हूँ। तो अगर इस फेज से मैं लैग करवाऊँ तो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है, यही बनेगा ना, ये बनेगा, और ये कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। इस वाले फेस से ये कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ओके। इसके बाद अगर अब हम इस वाले फेस से लेफ्ट करवाएं तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इसी तरह जो तो आपके पास ये वाली लाइन है, इस अगर 30 डिग्री लेफ्ट करवाना है तो आप कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, ये कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। और आपको कौन सा है, ये वाला कौन सा है आपके पास,
है ओके, ये भी मेरे पास क्या होगा, देखिए ये पैरेलल में ये है ना, तो ये ए होगा, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी साइड ए टू, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, बी टू होगा, और ये क्या होगा, ए टू होगा, ओके। लेकिन अब ये तो मैंने इसको लेग करवा लिया 30 डिग्री, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरे पास कनेक्शन है सेकेंडरी साइड पे वो डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन की बात है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, इन सब को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा कनेक्शन, मेरे पास कौन सा बन जाएगा, डेल्टा कनेक्शन बन लेगा। ये मेरे पास आ गया एक फेज, ये मेरे पास आ गया दूसरा फेज, और ये मेरे पास आ गया यस, ये मेरे पास क्या बन गया, डेल्टा कनेक्शन बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो डेल्टा कनेक्शन बना है, ये कनेक्शन कितना डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है प्राइमरी साइड से, ठीक है। अब याद करें कि जो पिछली मेरे पास वीडियो थी, उसमें जो मैंने कनेक्शन बनाया था डेल्टा का, वो इस तरह का नहीं था, वो ये जो वाला कनेक्शन है ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। आपको अगर आप वो जो पिछली वाली वीडियोस को देखें तो आपको पता लगेगा, ये वाला जो कनेक्शन है डेल्टा का, ये उस तरह का नहीं आया, मतलब ये थोड़ा सा रोटेट होके आया, मतलब कि थोड़ा सा 30 डिग्री शिफ्ट होके आया, 30 डिग्री लैग होके आया, ठीक है ओके। तो अब ये मेरे पास ए टू था, तो ये मेरे पास क्या होगा, ए वन, ये मेरे पास होगा बी टू, तो बी टू था तो ये मेरे पास होगा बी वन, ये सी टू था, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, ठीक है। कनेक्शन पूरी हो गई, ए वन ए टू बी टू डी वन सी टू, ये मेरे पास कौन सा कनेक्शन बन गया, डेल्टा कनेक्शन बन गया। और ये जो डेल्टा कनेक्शन बना है ये प्राइमरी साइड से 30 डिग्री लैग कर, ठीक है ओके। अब यहाँ से अब अगर इसका हम वैल्यूज निकालें, तो ये वाला मेरे पास जो फेज आएगा ये आएगा, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा, और ये जो मेरे पास निकलेगा ये निकलेगा। अब आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ए बी सी सीक्वेंस आया था, और यहाँ पे भी कौन सा सीक्वेंस आया, ए बी सी सीक्वेंस आया, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, यहाँ पे भी ए बी सी सीक्वेंस आया, और यहाँ पे भी ए बी सी सीक्वेंस आया, ठीक है। तो सीक्वेंस मेरे पास दोनों सेम आया ओके। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमने जो है वाई डी वन कनेक्शन बना लिया, वन ऑफ क्लॉक का क्या मतलब था वो भी सीख लिया, और प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे जो कनेक्शन बनाने थे वो भी हमने बना लिए, और इसको 30 डिग्री लैग नहीं करवा दी। एक और चीज हमने यहाँ पे सीखी थी प्रीवियस लैब में भी, हम इसको एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन दोनों कनेक्शन को, ठीक है। तो अगर हम इसी को हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, तो प्राइमरी साइड पे भी 3 कॉइल्स हैं, तो प्राइमरी साइड पे 3 कॉइल्स आ जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी साइड पे 3 कॉइल्स आ गए। अब सेकेंडरी साइड पे भी कितनी कॉइल्स हैं, 3 कॉइल्स हैं, तो सेकेंडरी साइड पे भी 3 कॉइल्स आ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी साइड में भी 3 कॉल्स आ गई है। लेकिन अब कनेक्शन किस तरह से करना है, ये मेरे पास सर यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, ए टू, देखें ये ए टू, यहाँ पे ए टू आ जाएगा, यहाँ पे बी टू आ जाएगा, यहाँ पे सी टू आ जाएगा, यहाँ पे ए वन आ जाएगा, यहाँ पे बी वन आ जाएगा, यहाँ पे सी वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डॉट लगाए अगर, तो ये ए टू बनेगा, ये ए वन बनेगा, इसी तरह ये बी टू बनेगा, ये बी वन बनेगा, इसी तरह ये सी टू बनेगा, और ये सी वन बनेगा ओके। अब हमने इनको कनेक्ट करना है ना, कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो प्राइमरी साइड है वो तो वाई है ना, वो तो स्टार कनेक्शन है, प्राइमरी साइड कौन सी है, एचवी साइड है, और वो स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड है तो तीनों किसके साथ, ए वन बी वन सी वन किसके साथ कनेक्टेड है, तीनों किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूट्रल के साथ। तो यहाँ पे मैं भी इसको किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दूंगा ओके। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में मेरे पास जो कनेक्शन है वो डेल्टा है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो ए टू है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ए टू कनेक्टेड है मेरे पास सी वन के साथ, ए टू किसके साथ कनेक्टेड है, सी वन के साथ, बी ए वन किसके साथ कनेक्टेड है, बी टू के साथ, और इसी तरह बी वन किसके साथ कनेक्टेड है, सी टू के साथ। यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, ए टू मेरे पास किसके साथ कनेक्टेड है, ए टू मेरे पास कनेक्टेड है सी वन के साथ, इसी तरह मेरे पास जो बी वन ए वन है वो बी टू के साथ कनेक्टेड है,
इसी तरह जो बी वन है वो सी टू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह मैं इसकी जनरल फॉर्म भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, कौन सा कनेक्शन हो गया, वाई डी वन ट्रांसफार्मर। तो ये कौन सा कनेक्शन है, वाई डी वन ओ क्लॉक ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड पे स्टार कनेक्टेड और सेकेंडरी साइड पे डेल्टा कनेक्शन, और दोनों आपस में किस तरह 30 डिग्री लैग कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा कनेक्शन बन गया, ये मेरे पास कनेक्शन बन गया वाई डी वन ओ क्लॉक कनेक्शन बन गया, ठीक। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डी वाई वन है, डी वाई वन तो वाई डी वन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि वाई डी वन जो है वो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, सॉरी डी वाई वन जो है वो ट्रांसफार्मर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये डिस्कस करना है कि डी वाई वन कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डी वाई वन ट्रांसफार्मर कनेक्शन ये अभी हमने डिस्कस करना है। इससे पहले अभी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वाई डी वन ट्रांसफार्मर कनेक्शन क्या होता है, वाई डी वन में वाई क्या होता है, डी क्या होता है और वन क्या होता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि वन ओ क्लॉक का मतलब होता है कि 30 डिग्री हमें उसको लैग करवाना है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डी वाई वन, मतलब कि जो प्राइमरी साइड होगी वो डेल्टा होगी, जो सेकेंडरी साइड होगी वो स्टार कनेक्शन होगा। लेकिन जो प्राइमरी साइड होगी वो एच पी साइड है, डेल्टा कनेक्शन है, और जो सेकेंडरी साइड है वो स्टार कनेक्शन है लेकिन वो क्या है, एलवी साइड है। और वन ओ क्लॉक का मतलब है, ऑलरेडी आपको अभी बता चुका हूँ, वो 30 डिग्री लैग है। वन ओ क्लॉक का मतलब होता है कि 30 डिग्री लैग कर रहा है जो आपकी सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी साइड पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन आपको पता है किस तरह से बनाते हैं, पहले बता चुका हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, डॉट लगाना है, यहाँ पे आपने एक फेज निकालना है, ये यहाँ से एक फेज निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से फेज निकलेगा, ठीक है। ये इसको अगर मैं कह दूँ ये मेरे पास ए है, इसको मैं कह दूँ अगर मेरे पास ये बी है, और इसको कह दूँ ये सी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, डॉट यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ पे आएगा, डॉट डॉट के मतलब क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये मेरे पास क्या होगा, ये ए है, तो ये वन ए टू कर देता हूँ इसको, इसको क्या कर देता हूँ, ये बी है तो इसको कर देता हूँ बी टू, बी वन कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ सी वन और सी टू कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ओके। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम कनेक्शन बना लेते हैं, ये यहाँ से कनेक्शन बनेगा एक, जिसको हम कहेंगे यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट है, तो यहाँ से जो करंट इंटर करेगा वो ये होगा, यहाँ से जो करंट इंटर करेगा वो होगा आई सी, और इसी तरह जो यहाँ से करंट इंटर करेगा वो कौन सा करंट होगा, वो होगा आई बी, ठीक है। वो कौन सा करंट होगा, वो आई बी करंट होगा, ओके। यहाँ तक तो हमें बात समझ आती है कि जो हमारे पास प्राइमरी साइड है वो एच वी साइड है, और एच वी साइड होने के साथ साथ वो डेल्टा कनेक्शन में थी, और हमने डेल्टा कनेक्शन बना दिया, ओके। डेल्टा कनेक्शन हमने बना दिया, तो अब हमने जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में हमने क्या बनाना है, स्टार कनेक्शन बनाना है, और स्टार कनेक्शन ऐसे इस तरह से बनाना है कि वो प्राइमरी साइड को 30 डिग्री जो है वो क्या करे, लैग करे, क्योंकि वन ओ क्लॉक का मतलब यही होता है कि 30 डिग्री लैग करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम वही वाली जो स्ट्रेटजी है हमारी, कि हम सबसे पहले स्टार कनेक्शन बना लेते हैं और उसके बाद उसको लैग करवा लेंगे, मतलब हम जो जो स्टार कनेक्शन हमें पता है, ठीक है, जो हम जनरली हर वक्त यूज करते हैं वही वाला हम बना के उसको हम जो है वो रोटेट करवा के लैग करवा के हम अपना जो फाइनल कनेक्शन है वो बना लेंगे, ठीक है। करने लगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे डॉटेड फॉर्म ये मेरा कनेक्शन बना लिया, ठीक है। ये क्या स्टार कनेक्शन है, लेकिन ये 30 डिग्री लैग नहीं कर रहा, ये क्या नहीं कर रहा, ये 30 डिग्री लैग नहीं कर रहा, इसको मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे 30 डिग्री लैग करवाना होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपको पता है ये फेज बी है, और ये फेज मेरे पास फेज सी है, तो अब तक मुझे लैग करवाना है 30 डिग्री, ये वाला मेरे पास जो बनेगा ये क्या होगा, ये कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और ये कितना लैग कर रहा है, इस वाले लैग कर रहा है ना 30 डिग्री, ये मेरे पास 30 डिग्री आ गया। उसके बाद अब इसको लैग करवाना है कितना,
डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। और इसी तरह फिर इसको मुझे क्या करवाना होगा, 30 डिग्री का क्या करवाना होगा, लेग करवाना होगा, यही बात है ना। तो देख रहे हैं कि ये वाला फेस भी 30 डिग्री है और ये वाला फेस भी 30 डिग्री है, तो सब जो है वो 30 डिग्री लेग हो रहे हैं। यहाँ से अब हम कनेक्शन निकालते हैं, यहाँ से कनेक्शन निकलेगा, यहाँ से कनेक्शन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कनेक्ट निकलेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ से जो करंट आएगा वो होगा आईए, यहाँ से जो करंट आएगा उसको करंट को हम क्या कहेंगे, उस करंट को हम क्या कहेंगे, आईबी कहेंगे, और यहाँ से जो करंट आएगा उसको हम कहेंगे आईसी। यहाँ पे हम डॉट लगाते होते हैं, डॉट आपको पता है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये सी टू सी वन होगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये A1 A2 होगा, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे पास क्या होगा, B1 B2 होगा, फिर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। ये B1 और B2 होगा, और यहाँ से जो मेरे पास देखें, यहाँ पे क्या सीक्वेंस था फेस का, यहाँ पे मेरे पास ABC सीक्वेंस था, और यहाँ पे भी क्या सीक्वेंस है, ABC सीक्वेंस है, ठीक है। जो सीक्वेंस मेरे पास पहले था और वही मेरे पास सीक्वेंस दोबारा आया। तो इस तरह से आप देखें कि अब जो ये वाला कनेक्शन है, ये वाला 30 डिग्री जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पिछली साइड से, ठीक है। तो वन ऑफ क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अब हम देखते हैं D/1, D/1 है ना, डी मतलब डेल्टा, ओके, कैपिटल मतलब डी, ओके, वाई मतलब स्टार, ठीक है, ओके, स्टार बना दिया, एलवी साइड है, ओके, एलवी साइड है, और वन ओ क्लॉक मतलब 30 डिग्री लैग करना चाहिए, तो 30 डिग्री लैग करवा दिया, पहले स्टार कनेक्शन बनाया, उसको हमने लैग करवा दिया 30 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री लैग करने के बाद ये आपके पास बन गया कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, D/1। अब तक हम कितने कनेक्ट, और एक बात अभी याद आ गई कि अभी हमने क्या करना है, इसका एक जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी ना, जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, इसके जनरल फॉर्म में भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो प्राइमरी भी कितनी कॉइल्स थी, तीन कॉइल्स थी प्राइमरी पे, और तीन ही कॉइल्स थी सेकेंडरी पे, ठीक है। तीन कॉइल्स प्राइमरी पे थी, तीन कॉइल्स सेकेंडरी पे थी, ठीक है। प्राइमरी वाली साइड क्या थी, डेल्टा थी, और वो एच वी साइड थी, ये क्या होगा, A1 A2 इसी तरह B1 B2 इसी तरह C1 C2 इसी तरह ये होगा A2 A1 B2 B1 C2 C1, ठीक है, ओके। प्राइमरी साइड का डेल्टा कनेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास A1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, A1 हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, C2 के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह जो हमारे पास A2 है वो B2 के साथ कनेक्टेड है, सर A2 है आपका जो वो कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे ये B1 है और यहाँ पे ये B2 है, ठीक है। ये आपका जो A2 है वो B1 के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह आपका जो B2 है, जो B2 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो C1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। A1 किसके साथ कनेक्टेड था, A1 कनेक्टेड था हमारा C2 के साथ, कनेक्ट कर दिया, ओके। उसके बाद A2 जो था वो B1 के साथ कनेक्टेड था, और इसी तरह जो B2 था वो C1 के साथ कनेक्टेड था, और जो स्टार कनेक्शन है ये तो होती बहुत इजी है, A1 B1 C1 तीनों किसके साथ कनेक्टेड है, तीनों न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तीनों को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये मेरे पास आ गया A2 B2 C2। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि जनरल फॉर्म में भी हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया D/1 कनेक्शन बन गया, ओके। तो अभी तक हमने कितने कनेक्शन डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने किया है Y Y0 और D D0, दो कनेक्शन ये डिस्कस किए हैं, और हमने ये डिस्कस किया कि Y D1 और D Y1 कनेक्शन, ठीक है। तो ये चार कनेक्शन जो है अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।